हमने अदालत को प्रेशराइज करने के लिए हमने एक नया सिस्टम शुरू किया सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग, और वो ये है कि अगर एक जज आपके हक में नहीं देता या आपके हक में नहीं सुन रहा तो हम सोशल मीडिया जो कि फ्री है या ट्रोल नहीं है हम गाली गलौज तक पहुंच जाते हैं, व्हिच इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को खत्म करने का एक नया तरीका लोगों ने अपनाया। तो हमें ये समझना चाहिए कि हर सोशल प्रॉब्लम हर सियासी प्रॉब्लम नहीं आ सकता अदालत के सामने, और अगर अदालत या चीफ जस्टिस या कोई सीनियर जजेस फैसला करते हैं कि हमने सिर्फ और सिर्फ आईन के मुताबिक चलना है और हमने सिंपली क्योंकि एक मामला बड़ा सियासी है हमें उसको नहीं लेना, तो मेरा ख्याल है उनको इज्जत करनी चाहिए, वो उनका वकार उनकी डिफेंस को बढ़ाता है। लेकिन जहां मामला आता है फंडामेंटल राइट्स का बुनियादी हकूक का, जहां मामला आता है जिसका आपने जिक्र किया ह्यूमन राइट्स का, जहां वायलेशन एक मैस पब्लिक की हो रही हो, एक वायलेशन ऐसी हो रही हो कि नजर आ रही हो सबको, तो वहां मेरा ख्याल है कि अदालत को अपना एक किरदार अदा करना है, क्योंकि और उसकी वजह यह है कि आईन ने उनको आईन ने सेल्फ उनको जजेस को आईन की हिफाजत के लिए जिम्मेदारी दी।